लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। ये पार्टी किस हद तक जा सकती है, उनकी जिम्मेदारी थी देश को इस पैंडेमिक से बचाने की, वो उसमें पूरी तरह से विफल रहे। अब झूठ कैसे फैलाना, जिस प्रकार से आज सुबह से एक गलत डॉक्यूमेंट को, फर्जी कागज को कांग्रेस का बताकर उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, उनके मंत्री हो, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, बड़े ही दुख की बात है। इनकी मजबूरी है क्योंकि जानते हैं कि अब देश की जनता उनका असली चेहरा देख चुकी है, इसका भरोसा ये लोग गवा चुके हैं। अब ये भी भरोसा गवा चुका कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, जो कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट का कागज बताया जाता है, जिसको ट्वीट कहा, वो फर्जी कागज है। किस हद तक ये लोग जा सकते हैं, और मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो सही है तो इस कागज को दिखा और वापस करे कि ये सही है, जिसपे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको बताया कि ये कागज सही है, कांग्रेस का है। मैं वापस कहता हूं कि आप बताएं पूरे देश को कि ये कागज सही है, हम उसका जवाब देंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया का दुरुपयोग उन्होंने कितने दिनों से किया है, हर चीज को, हर नैरेटिव को चेंज करके झूठ लाने के लिए, किसानों की बात हो, हर मुद्दे पे झूठ फैलाने को काम, अब नहीं होगा ये चीज, क्योंकि सोशल मीडिया अब जान चुका है कि इन लोग की हकीकत क्या है। और हम आज अभी अमन भाई जो हम FIR कर रहे हैं उसके साथ जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, हम स्ट्रांगली कर रहे हैं कि इन लोगों को सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म पे रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर इसके लिए झूठ फैलाया जा रहा है। अगर बड़े बड़े नेताओं को इस प्लेटफॉर्म से हटाया जा सकता है तो झूठ फैलाने के लिए मैं आपके माध्यम से भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके मुखिया को कहना चाहूंगा, हमने ऑलरेडी लिख दिया है कि इनको इन प्लेटफॉर्म से हटाया जाए, जिससे जिस प्रकार से झूठ ये लोग फैला रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, उसको रोकने की भारतीय के नाते हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और साथियों, ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। अगर ये लोग इस मुद्दे को बड़ा करके करे जो 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 टूल देना चाह रहे हैं, यही चीज बता रहा है कि ये लोग कितना बौखला चुके हैं। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा प्रेस के मेरे साथियों को, जिस प्रकार से देश की भावनाओं को, जनता की भावनाओं को उन्होंने पिछले दिनों में उजागर किया, वो ऑक्सीजन की किल्लत की बात हो, वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, तभी जाके आज उनको ये मजबूर होना पड़ा कि झूठ का सहारा लेना पड़ा। आज कांग्रेस का हर साथी लगा हुआ है कि किस प्रकार से देश की जनता की मदद की जाए, किस प्रकार से हमारे युवा कांग्रेस के साथी हो, उनको ये रास नहीं आ रहा, खुद कर नहीं पा रहे हैं और जो कोई कर रहा है ये देख नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये इनकी मजबूरी है, पर हम ये, जैसे पवन भाई ने बताया कि हम ये नहीं करने देंगे, सोशल मीडिया हो, किसी भी प्रकार से हो, इस झूठ का सामना हम करने में देश की जनता के साथ है। देश की जनता का अधिकार है कि इनके सवाल के जवाब मांगे कि क्यों इस प्रकार से बुरे पेंडेमिक में देश की जनता का साथ इन्होंने छोड़ दिया। और आने वाले दिनों में इस मुद्दे को, जब तक इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, उसके खिलाफ खड़े रह के पूरी तरह से जितना जोर से हम लोग बोल पाए, विरोध करना चाहे, हम करते रहेंगे।